अपनी छोटी उम्र ही वड्डियां पुलंगां पुटन वाले सरदार अंगद सिंह जी अपने स्वासां दी पूंजी नूं खर्चते हुए परमात्मा दे चरणां विच जा विराजे। उन्हां दी याद विच एक बरसी समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच सरदार जोगिंदर सिंह जी, जैसमीन कौर, तेजविंदर सिंह, इकप्रीत कौर, मनप्रीत कौर, इंद्रप्रीत सिंह, कुलदीप कौर, उपकार सिंह आहूजा, मनप्रीत कौर, वरुणप्रीत सिंह आहूजा, सिफत कौर, सहाय कौर, इकजाप सिंह, ऐश्वर्या अते उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा सिंह सभा मॉडल टाउन एक्सटेंशन लुधियाना विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघा वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे चरणां नाल जोड़िया। सरदार अंगद सिंह जी खोजी, उद्यमी, खेड भावना वाले अते सब नूं प्यार करन वाली शख्सियत सन। आप जी दा जन्म पिता सरदार तेजविंदर सिंह जी दे घर माता जैसमीन कौर हुणा दे घर होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही होनहार प्रतिभा दे मालिक सुगड़ अते सियाने सन। मुढली सिख्या आप जी ने लुधियाना तो अते फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कार्डिफ यूनिवर्सिटी लंदन तो कीती। पिता सरदार तेजविंदर सिंह अते सहुरे सरदार उपकार सिंह आहूजा दे लाडले सरदार अंगद सिंह जी ने बिजनेस विच खूब नामना खटिया। आप जी ने अपनी कंपनी नु नवीआं नवीआं तकनीकां लिया के बिग बैन दा नाम कौमांतरी पद्धर ते चमकाया। सरदार अंगद सिंह जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद लई त्यार बर त्यार रिहा करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन। आप जी अपने वड्डियां दा सतिकार करन वाली अते छोटियां नूं प्यार करन वाली शख्सियत सन। सरदार अंगद सिंह जी हुणा ने चाहे बहुत थोड़ी जिंदगी इस दुनिया ते बसर कीती पर अजिहियां यादां छड गए जिहड़ियां कदे वी भुलाईयां नहीं जा सकदियां। संग चलते हैं हम भी चलेंगे, संग चलते हैं हम भी चलेंगे, दूर गबन सिर Thank you.
Oh.
देखो सजन आशीष जय कर कीर्तन आखिए करते का होए विचारो तित कर गाव सोगेला सोगेना हमारी जित सोगेना
सदा सुख हो रहा। नित नित जियाड़े संभालिया, नित नित जियाड़े संभालिया, देखेगा देवन हार, देखेगा देवन हार, तेरे दान की मत ना पवे, तेरे दान की मत ना पवे, कवन सुमार, देव सजन असीसड़िया, जो वै साहिब सोने, जो वै साहिब सोने, मिलकर पावते दो सजन असीसड़िया, जो हो वैसा सुने, मिलकर पावो तेरे।
छेड़े नित पवन सतन हारा सतन हारा सिमरिए नानक से अवन जेगा चीरी लिखिया मेरे हर जीव सब को तेरे वस असा जोर ना ही जे किछ कर हम साके जो पावे तिवे बख्श आपे हर एक रंग है आपे बहुरंगी जो दिस पावे नानका साई गल चंगी फरीदा दरियावे कन्ने बगला बैठा केल करें दे हंजनो अचिंते बाज पे बाज पे तिस रब दे कीना विसरिया जो मन चितना चेते सन सो गाली रब किया की डोर उस मालिक दे हथ है कि प्यारे जीवन बख्शिश करना ते फिर उस दे सदे ते वापस चल जाना ये मनुख नु जिना जीवन दा सफर मालिक बख्शिश करके संसार ते भेजा है या यूं कह लिए जिंदगी दा जिना समा जिनी उम्र मालिक बख्शिश करके संसार ते भेजा है वो खत्म होने तो बाद वो भोगण तो बाद फिर हर एक मनुख नु हर एक जीव नु इस संसार तो जाना पैंदा है ये रीत चली आ रही है उस मालिक की बनाई हुई की खेड है रचना है गुरु प्यारे इस तो कोई मुनकर नहीं हो सकता कोई किन्ना भी अमीर होवे कोई किन्ना भी ताकतवर होवे कोई किन्ना भी धनी होवे कोई किड्डा वड्डा मनुख होवे गुरु प्यारे जिसने इस संसार ते मनुखा जून च जन्म लिया है किसे रूप में जन्म लिया है गुरु प्यारे संसार ते आया है उसकी मौत अटल सच्चाई है इसलिए जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मनोविसारी है मालिक ने तनु ये मनुखा जीवन दी बख्शिश करके संसार दी भेजा है उसने याद में हमेशा तेरे हृदय च वसना चाहिए गुरु प्यारे जे तू अपने जीवन नु सफल बनाना है अपने जीवन दे सफर नु सफल बनाना है कामयाब करना है ते उस मालिक दे नाम नु जप आओ साडे लिए वो विछड़ी ही आत्मा सरदार अंगद सिंह जी जिन्हां नु मालिक ने जिन्हें स्वास बख्शिश करके संसार ते भेजा सी उन्हां दी मिठी याद नु अज बरसी दे रूप में तुसी सारे उन्हां दा परिवार उन्हां दा प्यार करन वाले उन्हां दे स्नेही मित्र दोस्त सारे रल के उन्हां नु अपनी श्रद्धा दे पुल गुरु शब्द राही अरदास बेनती राही भेंट करने ते जुड़ बैठे हो आओ अपनी भी रसना नु सुची ते निर्मल करिए तू उस विछड़ी हुई आत्मा ने भी अपनी श्रद्धा के फुल गुरु शब्दा राही वाहेगुरु के सिमरन राही भेंट करिए कोई भी रसना वांझे ना रहे सारे रल के आओ जी वाहेगुरु का सिमरन करिए साडा भी भला हो सके ते उस जीव आत्मा का भी भला हो सके कोई रसना वांझे ना रहे Guru
वाहेगुरु 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 जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए रंगत गुर ते अमरदास रामदास हंसहाए अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरन श्री हराए श्री हर संतई आइया जिस डठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै करनाउन दावै ताए सब थाई हंसहाए दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुन सहाय दसां पातशाहियां दी जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दार दा ध्यंतर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा प्यारिया चौहों साहबजादिया चाली मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख सलाई तेग वाह देख के अनठ किया
ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਠ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆ ਨਾ ਚਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੋਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤੇ ਆਵੈ, ਚਿਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ, ਜਹ ਜਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਖ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਣਾ ਸਿਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਾਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨੀ ਮਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ, ਛਿੰਨਣ ਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਨ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੰਜਾਣ ਵਿੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਆਗੇ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਥਕਣਾ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮਸੰਗ ਚ ਵਰਤਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਸਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਣੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿੰਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਹੋਵੈ ਸਿਵਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੁਰਸਾਂ ਪੁਰਸਾਂ ਚਟੀਐ, ਤੁਦ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਹੈ।
सजन सचा पातशाह सिर साहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसा सतना वाहगुरु साहिब जी तोड़ी महला पंजवा हर बिसरत सदा कुवारी ताको धोखा कहाँ ब्याप जाको ओट तुहारी हर बिसरत सदा कुवारी ताको धोखा कहाँ ब्याप जाको ओट तुहारी रहाओ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्म नानक तिस बलहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्म नानक तिस बलहारी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की। भाई साहब भाई रविंदर सिंह जी हजूरी रागी जत्था श्री दरबार साहब अमृतसर उन्होंने बहुत ही वैरागमई कीर्तन सुना के निहाल किया है। जो संखेप समागम कुछ मिनटों लई आप जी के सामने है, सर जपनजोत सिंह भराता अंगद सिंह वो छोटी कविता पेश करनगे, नाल उन्हां दे जो दूसरे भराता हैं वह भी नाल आ जाए। अंगद वीरे का खेड़ा अंगद वीरे का जनून किसी भी चीज़ नू लैके अज भी याद आता तो वोदे वास्ते कुछ सत्र लिखिया सी ते ओ किद्दां साडे विच विचर रहे ने ते किद्दां उन्हां दी याद नू लैके अज भी असी उन्हां नू महसूस कर रहे हैं ते ओदे लई कुछ सत्र। खुशबू लैके अपनी तू साडी हवा बन गया हर खुशी हर गम दा जिवें गवाह बन गया इन्हां पंछियां नू उड़ा के इन्हां दा तू सदा बन गया चंगियाई किसे रूह दी तू जिवें उसदी अदा बन गया बच्चे नाल बच्चा हो के वड्डे नाल वड्डा हो के तू उसदे सदे हासे बन गया साडे विच वसदा तू हवा साडे आसे पासे बन गया सच अपना तू नाल लैके तू घर साडा नवा बन गया तू तां साडे साह तू साडी हवा बन गया तू साडी हवा बन गया मच्छियां हाँ असी तू साडा समुंदर बन गया जिथे आके सिर चुके तू साडा मंदिर बन गया नाम अपना रुशना के तू हर किसी की जुबान बन गया छड़िया नहीं तू कदे सानू तू तां होर भी जवान बन गया सानू कदे ना तू डुबण दिता तू तां साडा दरिया बन गया तेरे विच असी साडे विच तू तू तां सारिया दी लोड़ वाला पानी बन गया तू तां साडे सारिया दा हाणी बन गया तू तां साडे सारिया दा हाणी बन गया।
जिस उत्ते खड़े हाँ तू तो साड़ी मिट्टी बन गया है, सानू मजबूत करके हले भी तू साड़ा सहारा बन गया है, राही दी उम्मीद वाला वो किनारा बन गया है। मान रहे हैं तू हर रुत साड़े विच रह के, तू तो हर रुत दा फल बन गया है, तू ही साड़ा समा तू ही हर पल बन गया है। अरशां तो उत्ते रह के साडे पैर थले रखण वाला तू साडा किरदार बन गया है, तू तो सारिया की रोशनी है, तू तो सारिया का सरदार बन गया। भुल सकते ना तेनू, भुल सकते ना तेनू, तू तो शख्स आफरीन बन गया, सानू हमेशा नीवा रख के अगे ले जाने वाली तू साडी जमीन बन गया, तू साडी जमीन बन गया। तू साडी रोशनी है, तेरे बिना तो हनेरा है, तू हर रोज़ आने वाला नित नवा सवेरा है। उस रंग दे अगे दिस रहा उम्मीद का चन्न है, हर धन तो परे उही संतोख मन है। तू हर तारे दी खुशी दे दंदा दी चमक है, साडे अंदर रहिंदा दिल ते उसकी धमक है। हर रुत हर चेहरे दी तू तो रंगत है, हर रुत हर चेहरे दी तू तो रंगत है, तू ही साडा रंगत है, तू ही साडा उही अंगत है। धन्यवाद जी, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। रिश्तेदारां और सारे दूसरे जो सहयोगी कंपनियां ने, जो व्यापारी वर्ग है, सारिया के नाल उहदा विहार जिहड़ा वो बहुत ही मनुखता भरिया मानवी कदरां कीमतां वाला उहदा विहार सी। ये गल्लां जिहड़ियां ने सानूं प्रोफेसनल एथिक्स जिहड़े ने वो बिल्कुल उहदे विच भरे हुए सन। मैनूं लगदा जदों उहने MBA कीती है उदों ये चीज़ां जिहड़ियां ने वो बियॉन्ड इकनोमिक्स बियॉन्ड बिजनेस जिहड़ियां गल्लां ने वह उन्हें बड़ी चंगी तरह धारण कीतियां हुई सन, और सिर्फ पैसे कमाण की काल जां लालसा उहदे मन विच नहीं सी। तो दुनिया भर दे विच विकसित होण दी अभिलाषा लै के अंगद सिंह एक आइकॉन बन के उभरिया है। मैं बेनती करांगा सर अमरजीत सिंह जी टिक्का, चेयरमैन स्माल इंडस्ट्रीज डिवेलपमेंट बोर्ड, वो दो मिनट आ के अपने प्यार भरी जो श्रद्धांजलि है। पावन पवित्र हजूर जी जुड़ी गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे उस प्यारे बच्चे अंगद की मिठी प्यारी याद मना रहे हैं। अज तो लगभग साल पहला अंगद सानू विछोड़ा दे गया, किथे गया ये कोई नहीं जानता। ऐसी दुनिया दे विच गया हो जिथों हाले तक कोई वापस नहीं आया। गुरु साहब जानते हैं भी वो किथे गया। मैं देख रहा भी जिन्ने भी आपा बैठे हैं अज इत्थे, सारे दिया अखां दे विच नमी है और मन दे विच बड़ा गुस्सा, खास करके अंगद दे जिहड़े दोस्त मित्र उहदे संगी साथी अज बैठे इत्थे, उहनां दे मनां दे विच गुस्सा। क्योंकि आपां जिन्ने भी अज इत्थे बैठे हाँ आपां सारे अंगद दे दोषी हैं, क्योंकि एक साल हो गया अंगद नूं आपां सारे इंसाफ नहीं दवा सके। उपकार सिंह अहूजा मेरे बड़े प्यारे मित्र है, तकरीबन अंगद बारे कार्रवाई बारे असी गल्लां, चलो कल्ला उपकार सिंह अहूजा दोषियों नूं दंड दवाउण वाला, पर दोषियों नूं बचाउण वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। बचाउण वालियां दी जिहड़ी उह संख्या बहुत ज़्यादा है, सो आपां दोषियां नहीं इंसाफ दवा सके, क्योंकि साडा सिस्टम बड़ा पल्यूटड है। सिस्टम दे विच प्रदूषण इन्ना फैलिया होया कि आपां इस सिस्टम चों पता नहीं कदों बाहर निकलांगे। सो मैं अंगद जिन्ने
दोस्त है उन्होंने, क्योंकि ये जड़ी अंगद का विछोड़ा ये कोई पल का विछोड़ा नहीं, ये उम्र का विछोड़ा, ये अपन मन दे विच क्योंकि उन्हें वापस नहीं होना आना, इस नाल सानू अपना जिहड़ा वो अपने आप नू बदलना पैना। सो ऐसी दुखदाई मौत ते वारिशा लिखते हैं भी भाई मरे ते जांदियां भज बाहां, भाई मरे ते जांदियां भज बाहां, भाइयां बाजो ना रहिंदे परिवार भी हैं। सो आपां जिथे सारे उहदी मिठी प्यारी याद मना रहे हैं, सो मैं भी जिथे इस बहुत वड्डे पहाड़ जिड्डे दुख, क्योंकि एड्डा वड्डा दुख है इस परिवार को, ना तो यह किसी पैमाने के नाल नापया जा सकता, ना ही किसी वट्टे के नाल तोलिया जा सकता, बहुत वड्डा पहाड़ जिड्डा दुख है। सो मैं एक इस दुख की घड़ी दे विच परिवार नाल सारे उहदे जिहड़े साथी दोस्त मित्र उन्हां नाल भी इह सांझ भी परमात्मा उन्हूं अपने चरणों के विच निवास बख्शे। अंत दे विच एक उर्दू दे बहुत वड्डे मकबूल शायर है, उन्हें दो लाइनां लिखियां, बिछड़ा इस अदा से के रुत ही बदल गई, बिछड़ा इस अदा से के रुत ही बदल गई, खालिद मैं बात बात पे कहता था जिसको जान, मैं बात बात पे कहता था जिसको जान, ऐसा गया कि मुझको ही बेजान कर गया। सो इन शब्दों के नाल उस प्यारे वीर प्यारे अंगद दी चरणों के विच मैं श्रद्धा दे फुल भेट करता, बेनती करांगा। साहब महेशिंदर सिंह जी, साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार, सर महेशिंदर सिंह जी गरेवाल, अज की गल लगती है, कल की गल लगती है कि जिस दिन सरदार उपकार सिंह उन्होंने टैलीफोन आया कि उन्होंने दामाद प्रॉपर केयर ना होने करके इस संसार तो कूच कर गए। समा अपनी चाल चलता रहिंदा है, पर विछोड़े तो फिर जवानी दे विछोड़े ये हमेशा सताते रहते ने, ते परिवारां विच जिहड़ी दर्द छड जांदे ने वह दर्द ना दूर हो सकते ने, ना दर्द भुलाए जा सकते ने। तीसरे पातशाह वेले दी साखी है कि गोविंदवाल साहब तीसरे पातशाह विराजमान सन, ते अमृत वेले एक माँ दे रोण दी आवाज़ आई, कुरलाउण दी आवाज़ आई, ते गुरु साहब ने अपने सेवक नूं भेज के पता कीता कि इस नितनेम दी अमृत वेले दी घड़ी विच ये माता क्यों रो रही है। जद सिख ने आके दस्या कि जे अपने नौजवान बेटे दे संसार विचों जान करके विरलाप च मां रो रही है, तो गुरु भी आप निरंकार होने के बावजूद ये दुख नूं ना झलदिआं होइआं ये वर दिता, ये बख्शिश की कि गोविंदवाल साहब की धरती ते मापिआं दे बैठिआं कोई पुत नहीं जाएगा। पर संगत विच कई सियाणे लोग भी हुंदे आ, कई सवालिया करन वाले भी हुंदे आ, ते एक सिख ने कह दिता कि सच्चे पातशाह इह आप जी का बचन किन्नी देर लागू रहेगा। गुरु साहब ने फरमाया कि यह बचन तो किया हमेशा लई, पर हुण तो गुरमुख पुछ लिया, हुण तुहानू इन्ना ही कहने कि जिन्ना चिर शरीर करके असी गोविंदवाल साहब हैं किसी भी मापिया के हुंदिया उन्हां दा बच्चा नहीं जाएगा। सो अज लफ्ज़ां की घाट है, तारस देण नू कोई गल नहीं, विछोड़ा बहुत दुखदाई है। तो मैं तो सिर्फ कहना एक कवि ने दो गल्लां लाइनां लिखियां सी, वो अंगद दे घट्टो घट बहुत पूर्ण तौर पर ढुकदियां ने कि थोड़ी उम्र लिखा के हंस आउंदे मोती चुगदे ते मिठा बोलदे ने, क्योंकि जो परसनैलिटी मैनू अंगद उन्हां दी उन्हां दे फादर साहब तो पता लगी, जो सरदार उपकार सिंह उन्हां तो पता लगी, उन्हां दा जो विहार आचार ते
संसार विच मिलना गिलना सी। एक पता नहीं निरंकार की खेड हुंदी है, क्योंकि निरंकार को नक्शा हुंदा हर व्यक्ति की उम्र का, उन्होंने जो गुण दिते सी वो पता नहीं इन्नी छेती हुई सातो निरंकार ने ले। सो मैं बहुता कुछ ना कहिंदा होया, मैं निरंकार अगे गुरु अगे ही बेनती करदा परिवार को, जिन्ना मैं जानदा मैं कह सकदा कि संसारक तौर पर इस परिवार ने हमेशा लोगों का चंगा ही किया, काम ही आए ने। फिर उदू बाद सवाल उठता कि ये चंगे लोगों ये दर्द तो दुख क्यों मिलता है। तो मैं उस गल एक साखी याद आती है कि एक तो भाई साहब भाई रणधीर सिंह अपने लुधियाने वाले हुए ने, ते एक भाई रणधीर सिंह उन्हीं झंग मंगियाने वाले होंदे सी, ते उन्हां दा सेवक एक कोल उन्हां दे सेवा करे उन्हां दे चरणा दी, ते उन्हां दे चरणा दे अंगूठे विच एक जपाक पई हुई सी। एक दिन उहदे मन च दुबधा आ गई, वो कहण लगा बाबा जी आ चरणा ते मत्था टेक के लोग सुख शांति ते अपनियां मंगां पूरियां कराउण लई अरदास करदे है, पर अपने तो आप पाक पई हुई है, इनू आपां की वजह है कि लोग आपां तो मंगदे ने ते आपां आप इस तकलीफ च हैं। तो वह कहण लगे गुरमुखा इस संसार विच इस जीवन दे लैणे देणे नहीं हुंदे, इस संसार विच जिहड़े पिछले जन्म दे ने वह लैणे देणे दे संबंध हुंदे ने। जे गुरु इस जीवन विच अपने नाल ना जोड़दा तां इह सारे शरीर च कोड़ होना सी, जिहड़ा गुरु ने अपनी बख्शिश करके इस जीवन च अपना नाम दिता वो थोड़ा जिहा भुगतना पिया, पर अंगूठे की पाक नाल हो गया। सो मैं जद भी घर बैठा सोचदा, परसों मैं इतों लंघिया तो जब मैं पता लग्या बोर्ड तो अंगद की बरसी का, तो उदों सीधा ही मन च यह सवाल आया कि हे निरंकार तेरी कुदरत भी अजीब है, तेरी फैसले भी अजीब ने। कि आम तौर पर दुनिया च आप गल चर्चा कर दें तो हुंदी भी कई दफ़ा दुनियावी तौर पर सच्ची है कि जेड़े लोगों का चज आचार चंगा नहीं वो दुखों तो रह जीवन बसर कर रहे हैं, जेड़े लोग मनुखता की सेवा विच लोगों के काम आ के लोगों के नाल सहयोग ते प्यार दे के ते प्यार लेके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, वो लोगों को थोड़ा संताप भुगतना पैंदा कि ये तेरी कुदरत का नियम की है। तो उस बाद मैं यही गल कह सकदा कि कहो नानक करते किया बातां, जो कुछ करना सो कर रहा, जिथे जोर नहीं उत्थे सिर चुकाउण ते ही खेड़ा छुटदा। सो मैं इन्ने लफ्ज़ां नाल ही अंगद दे समुचे परिवार नाल सत्कारयोग साडे भाई साहब बैठे ने सरदार उपकार सिंह उन्हां नाल ते समुची संगत नाल यही बेनती करदा कि ये फुलवाड़ी बच्चे ये परिवारां दी जिंदजान हुंदे ने, ते सानू सारियां नू हेल्थ दे मामले विच बेस्ट ते वधिया थां ते ट्रीटमेंट करवाउणी चाहीदी है, ताकि कल नू सानू अंगद वर्गा अलांबा मन विच ना रह जावे कि असी किस गल करके एक अंगद खवा बैठे हैं ते आउण वाले समय च कोई अंगद ना खवाईए। इन्ने लफ्ज़ां नाल मैं उस विछड़ी हुई आत्मा नू अपना सरदा सत्कार भेट करदा होया, परिवार नू यही बेनती करदा होया कि तुसी गुरमुख हो, गुरु की रज़ा विच रहण वाले हो। ये मैं तो यही कह के कहूँगा कि हमेशा अपने का ही इम्तिहान हुंदा, बगानिया का कोई पुछदा नहीं गा, निरंकार ने शायद तुहाडा सिदक परखण लई तुहाडा सबर परखण लई इह तुहानूं इम्तिहान पाया, तो गुरु की कृपा करके इस इम्तिहान चों तुहानूं बल शक्ति बुद्धि दे के इहदे चों सफल तरह जीवन बतीत करन दी समर्था बख्शे। इन्ने ही लफ्ज़ां नाल याद करदा होया अपनी बेनती समाप्त करदा, करो फतेह प्रवान। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। साहब बलविंदर सिंह जी बैंस MLA साहब बत्रा साहब अरोड़ा महासभा, गुरमीत सिंह जी कुलार, अवतार सिंह जी भोगल, ऑल सीनियर मैंबरस ऑफ गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल, सर जतिंद्रपाल सिंह जी चेयरमैन, सर प्रीति सिंह जी खालसा रिटायर्ड PCS, सर जसपाल सिंह जी पिंकी साहब डायरेक्टर साहब, चरणजीत सिंह जी इसकी, जसवंत सिंह जी विरदी साइकिल ट्रेड यूनियन बसंत साहब, सर इकबाल सिंह जी डीको काउंसलर मैनेजमेंट गुरु नानक पब्लिक स्कूल लुधियाना पेडलर्स क्लब, सर ओंकार सिंह जी एवन साइकल्स, मनजिंदर सिंह जी जनरल सकत्तर UC PMA, मनमोहन सिंह जी मार्टन, गुरचरण सिंह जी जैमको
वाइस प्रेसिडेंट UCPMA बत्रा साहब, प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग एसोसिएशन सतनाम सिंह जी मक्कड़ UCPMA, मिस्टर जसविंदर सिंह जी ठुकराल, जनता नगर जो एसोसिएशन है उत्थों दी, वो ये सारे सज्जन ते बहुत सारे और सज्जन जिन्हां दे नाम नहीं ले गए वो सारे संगत दे विच आ के वो मिठी निघी श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। मैं सरूपकार सिंह जी नूं बेनती करांगा कि वो आके धन्नवाद दे शब्द कहन और सर अंगद सिंह की याद दे नाल जुड़े परिवार वालों जो समाज कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं वो एक दो मिनट में आप जी सांझे करनगे। बाणी दे महावाक अनुसार हर के सेवक जो हर पाए तिनकी कथा निरारी रे, आवे ना जाए ना कबू मरता पार ब्रह्म संगरारी रे। दोज हु आर प्लीजिंग द लॉर्ड आर दी सर्वेंट ऑफ लॉर्ड, देयर स्टोरी इज यूनिक एंड सिंगुलर। दे डू नॉट कम एंड गो, दे नैवर डाई, दे रिमेन विद द सुप्रीम लॉर्ड। ये जड़े बाणी दे अल्फाज है अंगद सिंह ते बिल्कुल ढुकते हैं। परिवार वालों मेरी ड्यूटी लगाई गई है धन्यवाद करन दी, समा इजाजत नहीं देंदा। मैं एक मिनट विच अंगद सिंह बारे जिदा कि असी जानते हाँ वो एक बड़ी यूनीक परसनैलिटी सी, हमेशा इंडस्ट्री नूं अगे लिजाण लई वो सब तो अगे आंदा सी। बिग बैन दा जदों तो उन्हें वागडोर संभाली सी, मैं समझदा भी साइकिल पार्ट्स बनाउण वाली बिग बैन नंबर वन कंपनी अज भी लुधियाने च एग्जिस्ट करती है, चाहे यूरोप अमेरिका कई जगह पर उन्हें एक्सपोर्ट का काम किया। और जिते भी सानू लोग मिलते हैं वो हमेशा अंगद नूं याद करते हैं। स्पोर्ट्स लई जिन्नियां भी होर एक्टिविटीज़ है स्पोर्ट्स अगे रहिंदा सी, साइकलिंग ग्रुप बनाया उहदे लई बड़ा काम किया, ईवन डिजिटलाइजेशन लई एक ग्रुप बनाया मेक इन लुधियाना जदों कोविड च कुछ भी नहीं सी चलदा छोटी इंडस्ट्री लई, उहदे अज 50,000 यूजर है और इंडस्ट्री नूं उहदा बड़ा बेनीफिट हो रहा। कोविड दौरान घट्टो घट 1,000 बंदियां नूं रोज़ राशन काफ़ी देर तक जदों तक चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकी उदों तक वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते रहे हैं। बहुत सारिया संस्थावां ने अंगद दी याद विच, परिवार वालों भी कई उपराले किए गए हैं, बहुत सारिया संस्थावां ने अंगद दी याद विच कुछ काम किए हैं, जिदा कि गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल वालों आल वर्ल्ड शब्द गायन मुकाबला कराया गया जिदे इंडिया तो कैल मतलब सारे भागों तो जिदा कि कैलकटा और अदर दैन पंजाब जड़े जिसे पंजाबी बहुत घट है उतों भी बच्चों ने ये पार्टिसपेट किया। और जेडे इंटरनेशनल लैवल का ये फंक्शन होया ये 1,000 बच्चों ने पार्टिसपेट किया। मुलापुर मल्लीपुर क्रिकेट क्लब ने यूनाइटेड सिख वेलफेयर एसोसिएशन ने हर साल एक क्रिकेट मुकाबला कराने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। कृष्णा हैर चैरिटेबल हॉस्पिटल विच परिवार वालों जिहड़ा OPD है उन्हों क्योंकि उत्थे गरीब पेशेंट्स काफ़ी आते हैं उन्हों अपग्रेड करन लई उपराला किया, उन्हों मॉडर्नाइज किया जाएगा और होर भी हस्पताल अपग्रेड किया जाएगा। हस्पताल के प्रधान साहब तो बाकी मैनेजमेंट कमेटी भी इत्थे बैठी है, असी उन्होंने भी धन्यवादी हैं। पैडलर क्लब वालों अंगद की याद न ताज़ा रखने लई अज पौद्यां दा लंगर लगाया गया और सारियां नूं बेनती है कि पौधा लैके जाना और उन्हों लगाना और उसकी सेवा संभाल करना। चैंबर च अंगद ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ कीतियां सी, समय की घाट है मैं सारियां नहीं दस सकता। मैं परिवार वालों एक तो जिन्हें भी अपने रिश्तेदार दोस्त मित्र अज साडे नाल श्रद्धांजलि शामिल होना है उन्हों का धन्यवाद करता।